हम नाश्ता लेकर रेडी हैं और वो खेल रहे हैं। यहाँ पर बाप बेटा पास्ता खा रहा है। देखिए मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? और ये देखिए अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो अभी मस्त सब कोई तैयार हो चुके हैं, सुबह से एडिटिंग में लग गए थे और उसके बाद एडिटिंग करने के बाद मुंह कान धो के फ्रेश हो चुके हैं। चले अपना खाना, हमारा खाना भी लग चुका है हमारे बिछावन के पास। हमारे लिए मस्त जो हम सब पापड़ इतना सारा बनाए हुए थे तो वो छना रहा है, तो हमारे लिए खाना भी निकल चुका है, तो आपको दिखलाते हैं। ये देखिए खाना यहाँ पर लग चुका है, दाल भात सलाद। अभी पापड़ बन रहा है तो पापड़ को साथ में लेके जाएंगे और खाएंगे। आज का शुरुआत स्टार्ट हो चुका है। अगर हमारे ब्लॉग में अगर आप पहली बार आए होंगे तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आ सकते हैं, अभी भी ये छना रहा है। सो गाइस, हम सबका शुरुआत सीधे खाने पीने से होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा आइटम बन के आ चुका है। तो ये देखिए चावल दाल सलाद और यहाँ पर तिलौरी पापड़ और सब्जी, और ये जो कल रात में अपने वाइफ के लिए लेके आए थे रसमलाई, ये गिफ्ट लाए थे इसके लिए, लेकिन अभी सुबह सुबह खा रही है, फ्रिज में रख दी थी, बहुत ठंडा हो रखा है, तो ऐसे ही ठंडा ठंडा खाएगी तो ये बीमार पड़ जाएगी। फिर हमें खाना बना के कौन देगा? नहीं बीमार पड़ेंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा सा खाएगी। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, इतना सारा खाना है, देख सकते हैं रेस्टोरेंट के जैसा। खाना भी स्टार्ट नहीं की हमारी छोटी फुआ का फोन आ गया, तो उठाते हैं। उठ जा, ये हमारी छोटी फुआ। हेलो फुआ, हाय बोलिए फुआ। ठीक ठीक फुआ जी, प्रणाम। प्रणाम फुआ, वीडियो तो हर बनाता, वीडियो में आई फोटो। फुआ भोजपुरी बात करती है तो आप सब सुनिए। ब्लॉग ब्लॉग हमारी फुआ धो लिए हैं खाना पीना खा के, और ये रहा पूरा हाथ गोड़ धो लिया है, जा रही है अपना बर्तन वगैरह धोएगी। अभी फुआ से ही बात कर रहे थे, बहुत देर तक फुआ से बात हुआ है, देख सकते हैं लगभग एक घंटा, 11 बजे से खाना स्टार्ट किए थे और 12 बजे तक खाना खाते खाते बात किए, बहुत अच्छा लगा उन सबसे बात करके। और बुला रही है हमारी दादी, देखते हैं फ्यूचर में कभी होगा तो जाएंगे और वहाँ का आपको ब्लॉग बनाएंगे, तो आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा तो उस ब्लॉग को भी शायद देख पाइएगा। अगर कभी भविष्य में जाएंगे तभी ब्लॉग बना पाएंगे, देखते हैं, बुला तो रही हैं तो वेट करते हैं, इच्छा करेगा तो जाने का जाएंगे। दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वहाँ पर जाएंगे, सबसे आप सबको मिलाएंगे। एक भाई से तो मिल ही लिए, फुआ का लड़का जो था बोलू, जो आया हुआ था गौशाला मेला में, अगर नहीं देखे हैं तो जाके ब्लॉग में देख सकते हैं, गौशाला मेला में आया हुआ था। खाना पीना खा लिए, काम धाम तो है नहीं, एक महीने से काम बंद पड़ा हुआ है, तो चलते हैं फिर बिट्टू भैया के दुकान पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। और ब्लॉग जो है हर बार शाम को ही आता है हमारा, कभी कभी सुबह में भी डाल देते हैं, शाम में भी डाल देते हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा ब्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा, तो आप कभी भी देख सकते हैं। अभी मैं कोई टाइम फिक्स नहीं किया हूँ, मुझे किस समय कितना बजे ब्लॉग को डालना है, अभी मैं कोई टाइम फिक्स नहीं किया हूँ, तो इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन हमारा मिलते रहेगा। जब मैं ब्लॉग डालूँगा सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। और ये देखिए दूध पिलाने के लिए बैठ चुकी है और अब अपने से दूध पीने लगा है सब कोई, कितना मस्त दूध पी रहा है ये देखिए। अभी सब बहुत छोटा छोटा है, ये देखिए पीने के लिए कैसे कर रहा है। रोज का कहानी बन चुका है, रोज दूध पिलाना पड़ता है खरगोश को। कब आए यार? अरे भाई बहुत दिन के बाद, हमको लगा मंगल भाई है। पहले मिला लीजिए हमसे,
बहुत दिन के बाद आ गए हैं हमारे बीच। कितना दिन बाद? एक सप्ताह बाद। एक सप्ताह बाद नहीं आए, पहले बैग रख के आइए आप, पहले आइए आइए। मजा आया। जा रहे हैं पास्ता फिर से बनाने के लिए। तो देखिए पास्ता उबाल के रख लिए हैं और ये सब भी काट के रख लिए हैं, देख सकते हैं। कढ़ाई में तेल भी दे दिए हैं गरम होने के लिए, देखते हैं थोड़ा डाल कर गरम हुआ है कि नहीं। हो गया। प्याज को भूज लेते हैं पहले। अब टमाटर दे देते हैं, गलते गलते हो जाएगा तब तक लाल। प्याज भिजा गया है, टमाटर दे दिए। टमाटर भी भिजा गया है। अब पास्ता दे देते हैं। गाइस देख सकते हैं कैसे पास्ता सेट गया है, अलग अलग हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं पास्ता मसाला डालेंगे। खत्म हो गया था तो अभी नया ही निकाले हैं, उसे डालते हैं। ये है मिर्ची पाउडर दोस्तों, मिर्ची थोड़ा सा ही देंगे क्योंकि तीता कोई खाता नहीं है। तो इसमें सारा मसाला दे दिए हैं, अब सिर्फ बचा हुआ है नमक देने के लिए। ए, क्या हो गया? देखिए मेरा खरगोश के साथ बदमाशी कर रहे हैं, चिचिया आ रहे हैं उसको पकड़ के। देखिए उसको टांग पकड़ के खींच रहे हैं तो वो चिल्ला रहा है। हम इधर पास्ता बना रहे हैं और ये मेरा खरगोश को तंग कर रहा है। आज सारा दिन घर में ही रह गए, कहीं गए नहीं। बिट्टू भैया भी इंतजार कर रहे होंगे हमारा, लेकिन नहीं गए। और यहाँ हमारे लिए देखिए मस्त पास्ता बना रही है। तो आज शाम में फिर से नाश्ता करेंगे। और अभी शाम का बज चुका है 5। तो सारा दिन खरगोश के ही साथ खेलते धुलते और हमारे गुड्डी जी आए थे उनसे बात करते हुए समय निकल गया। देख सकते हैं टाइम 5:10 हो गया है। तो अभी पास्ता नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे बिट्टू भैया की दुकान की तरफ। देखते हैं पहले नाश्ता कर लेते हैं पास्ता का। तो बन कर हो गया है रेडी पास्ता, देख सकते हैं। और अब गैस को बंद कर देते हैं, दे देते हैं नाश्ता निकाल कर, चम्मच भी दे देते हैं। हम नाश्ता लेकर रेडी हैं और वो खेल रहे हैं, काटने के लिए दौड़ रहे हैं। नाश्ता दे दिए हैं और हम जाते हैं अपना काम करने, कहें कि बहुत ज़्यादा बर्तन धोना है और हमको झाड़ू भी लगाना है। तब तक नाश्ता कर लेंगे, हम अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। दोस्तों मस्त हमारे लिए नाश्ता भी आ चुका है, कल की तरह आज भी मस्त पास्ता देख सकते हैं। आपको दिख रही होगी हमारी वाइफ बनाते हुए, तो मैंने ही उसे बताया था कि थोड़ा थोड़ा कम से कम ब्लॉग बनाया करो। और ये सब भी खाने के लिए आ गया, अभी खेल रहा था ये सबसे पास्ता। इसको भी 2 पीस दे दिए हैं खाने के लिए। और हमारा भी पास्ता मस्त यहाँ पर आ गया है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा है पास्ता। आप भी खा लो गाइज, कितना ही प्यारा लग रहा है देखने में, एकदम रेस्टोरेंट के तरह। तो वाइफ बहुत अच्छा पास्ता मेरी बनाती है, तो खाते हैं। पास्ता फिनिश। और आज मिर्च नहीं था, मस्त पास्ता बना हुआ था। यहाँ पर बाप बेटा पास्ता खा रहा है, देखिए पूरा घर अंधेरा अंधेरा हो गया है, देख सकते हैं खरगोश का आँख चमक रहा होगा। कट गया है, आज सारा दिन लाइट बहुत ज़्यादा ही कट रहा है। और यहाँ पर देखिए अंधेरे में बैठ कर यहाँ आटा सान रही है। इसके लिए एक लाइट जला देते हैं मोबाइल का। तो यहाँ पर 2 मोबाइल है, तो एक मोबाइल से लाइट जला देते हैं। तो गाइस लाइट कट गया है, तो क्या ही ब्लॉग बनाए, आप सबको अच्छा भी नहीं लगेगा। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। सॉरी अभी खाना बन ही रहा है, तो मस्त खाएंगे और खाना पीना खा के सो जाएंगे। और वीडियो को भी एडिट करना है। तो आई होप आपको यह भी ब्लॉग पसंद आया होगा, नॉर्मल सा आने वाला ब्लॉग, इससे भी स्ट्रीम लेवल का होने वाला है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और तुम बोल दो गुड नाइट दोस्तों।